साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। आसनसोल में उपचुनाव के दौरान बीजेपी नेता के काफिले पर पत्थरबाजी, टीएमसी का आरोप। अग्निमित्रा पॉल बोली, मूक दर्शक बनी रही पुलिस। ट्रॉलियों के सट्टे होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत, सुबह से बचाई गई 10 लोगों की जान। पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच बैठक, रूस यूक्रेन युद्ध पर हुई चर्चा। कश्मीर का रोना रोने वाले पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ को राजनाथ सिंह ने अमेरिका की धरती से दिया संदेश। जेएनयू में प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी के छात्रों का लेफ्ट विंग पर आरोप, कहा हिंदू बोफिक कल्चर को तोड़ने की हुई कोशिश। बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई को बड़ी सफलता, नीरव मोदी के सहयोग को काहिरा से लाई वापस। कोरोना के नए वेरिएंट आते रहेंगे, इनसे घबराने की जरूरत नहीं, एंटागी के चेयरमैन डॉक्टर अरोर ने देशवासियों को दी सलाह। बाइडेन से बातचीत में पीएम मोदी ने पूछा नरसंहार की चिंता, दोनों नेताओं की बातचीत में सबसे ज्यादा जोर रूस और यूक्रेन युद्ध पर दिया। सत्ता के बदलाव से आतंकवाद पर पाक के रवैये में नहीं आएंगे कोई बदलाव, भारत यूएस 2+2 वार्ता के बाद बोले राजनाथ सिंह। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग में चेकिंग के दौरान पुलिस को सफलता, कार से हथियार और गोला बारूद हुआ बरामद। असम में एनआरसी में शामिल लोगों को आधार जारी करने की मांग पर नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। टेलीमेडिसिन का हब भी होगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिला अस्पतालों से जोड़कर घर के नजदीकी सस्ता और गुणवत्तापूर्ण इलाज कराया जाएगा उपलब्ध। आंध्र प्रदेश में ट्रेन हादसा, कोणार्क एक्सप्रेस में 16 पैसेंजर को कुचला, हादसे पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने जताया दुख। गाजियाबाद के कनावनी में झुग्गी बस्ती में लगी आग, पहुंची गौशाला, 40 गायों की हुई मौत। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू होगा समर एक्शन प्लान, ओपन बर्निंग पर फोकस। अलीगढ़ में दबंगों के खौफ से पलायन को मजबूर परिवार, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। अयोध्या में कश्मीर के बाद अब अयोध्या पर बनेगी फिल्म, अब फिल्म निर्माताओं की नजर अयोध्या की फाइल्स पर। चंदौली में जिलाधिकारी की सराहनीय पहल, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाया कदम। चंदौली में गेहूं खरीद की व्यवस्था बदहाल, कान पकड़ उठक बैठक कर बैरंग लौटे अन्नदाताओं ने डीएम से की शिकायत।
फैजाबाद में फ्लैट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, एक बच्ची की हुई मौत। महाराजगंज में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़, फर्जी डॉक्टर बिना डिग्री के कर रहे हैं इलाज। संभल में तीन ग्राम पंचायत अधिकारियों पर गिरी गाज, सरकारी धन के दुरुपयोग पर कार्रवाई। संभल में तालाब में शव मिलने से मचा हड़कंप, पांच दिन से लापता बुजुर्ग का शव बरामद। पश्चिमी विक्षोभ दिलाएगा झुलसाती गर्मी से राहत, दिल्ली सहित कई राज्यों में लू की संभावना। पीएनबी घोटाला मामले में सीबीआई को बड़ी सफलता, मुंबई लाया गया नीरव मोदी का साथी सुभाष शंकर। इटावा फर्रुखाबाद से जीते भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी। बाराबंकी में ढाबे पर बर्फ उतार रहे पिकअप से डीसीएम ने मारी टक्कर, दो नाबालिग समेत तीन की हुई मौत। बिजली कंपनियों को बिजली दरें बढ़ाने पर राज्य सरकार के रुख का इंतजार, नियामक आयोग को नहीं सौंपा ट्रैफिक प्रस्ताव। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की पहल पर आकर्षक बना अमेठी रेलवे स्टेशन, एचएलए की मदद से हुआ सुसज्जित। सुल्तानपुर में बाबा के बुलडोजर का दम, घर पर हुई धमकी तो इनामी बदमाश ने कोर्ट में किया सरेंडर। लखीमपुर का शर्मनाक प्रकरण, जेई ने एक रात के लिए की पत्नी की डिमांड तो लाइनमैन ने उठाया खौफनाक कदम। सत्ता संभालने के बाद बतौर पीएम शहबाज शरीफ के सामने होंगी तीन बड़ी चुनौतियां। अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग और प्रगाढ़ करेंगे भारत और अमेरिका, इसके जरिए एक दूसरे के सैटेलाइट की सुरक्षा होगी सुनिश्चित। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव परिणाम में भाजपा ने लहराया अपना परिचय। सुल्तानपुर में शैलेंद्र सिंह के सिर, पांचवी बार सजा जीत का मुकुट। रायबरेली में और मजबूत हुआ पंचवटी परिवार, तीसरी बार जीते दिनेश सिंह। आसमान में बरस रही आग, नोएडा में पारा 40 डिग्री के पार, 48 घंटे के बाद राहत की आई उम्मीद। यूपी के थानों से 60 दिन में हटेंगे जब्त वाहन, अपर मुख्य सचिव गृह ने दिए कई कड़े निर्देश। आईआईटी कानपुर देगा स्टार्टअप कंपनियों को सहयोग, टीप टेक्नोलॉजी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 अप्रैल। आंधी ने उड़ाए नींबू के दाम, 150 से बढ़कर 300 रुपए प्रति किलो बिक रहा है नींबू।
लखनऊ में DTRI की तकनीकी अधिकारियों का शव कार में मिला, पुलिस को सूचना देकर पति फरार। योगी सरकार 2.0 के लिए पीएम मोदी ने दिया मंत्र, अमित शाह संघ ने प्रदेश अध्यक्ष सहित संगठन पर मंत्र। सीएम योगी की एक और बड़ी कार्रवाई, यौन शोषण में फंसे डिप्टी एसपी नवनीत नायक को किया सेवक से बर्खास्त। अलीगढ़ में कार निकालने को भाजपा कार्यकर्ता से पुलिस की नोकझोंक, सिपाही पर रुपए मांगने का आरोप। मेरठ और सहारनपुर में MLC चुनाव की मतगणना 9 अप्रैल को हुई थी वोटिंग। लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजनाओं में घरों के साथ झील में समाई सुनहरी यादें, अपना गांव को डूबता देख नहीं थमे ग्रामीणों के साथ। उत्तराखंड में आज पारे में उछाल को लेकर रेड अलर्ट, हिट स्ट्रोक का खतरा, शरीर को पूरी तरह ढककर ही निकले बाहर। उत्तराखंड में जंगल की आग हुई विकराल, NDRF SDRF और पुलिस अलर्ट, नियंत्रण को वायुसेना की मदद सकती कर सकती है सरकार। उत्तराखंड कांग्रेस में नहीं मिल रहे दिग्गजों के दिल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने राष्ट्रीय नेताओं पर बोला हमला, दो एक विधायक ने पार्टी हाईकमान को लिया निशाने पर। आग के कारण उत्तरकाशी की चुन्याली सौड़ हवाई पट्टी पर वायुसेना का अभ्यास हुआ रद्द। सहकारिता विभाग में भर्ती धांधली के विरोध में कांग्रेस ने सरकार को घेरा, सचिवालय के बाहर किया धरना प्रदर्शन। प्रदेश महासचिव बोले रसातल में पहुंच गई कांग्रेस, जब तक शीर्ष नेतृत्व में बदलाव नहीं पार्टी का भला नहीं। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह बोले गुटबाजी के आरोप साबित हुए तो विश्व सदस्यता से देंगे इस्तीफा, राष्ट्रीय नेतृत्व करे जांच। एक शिक्षक ऐसा जिसने बदली सरकारी स्कूल की तस्वीर, लगातार हो रहा छात्रों की संख्या में इजाफा। कोरोना प्रतिबंध के बाद भी पिछले साल केदारनाथ धाम पहुंचे थे बंपर भक्त, इतिहास में पहली बार हुआ था ऐसा। देहरादून में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भवन कर जमा होना शुरू, ऑनलाइन सेवा शुरू होने में लग सकता है 3-4 दिन या वक्त। महापौर ने अपरिहार्य कारण का हवाला देते हुए अचानक बोर्ड बैठक की स्थगित, पार्षदों में रोष। NDA की कोचिंग करवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली एकेडमी के चेयरमैन और स्टाफ पर तीसरा मुकदमा। रुद्रपुर में पत्नी क्या हत्या में फरार चल रहा पति गिरफ्तार, मार्च में फंदे से लटकी मिली थी विवाहिता। अवैध खनन पर जिला प्रशासन की कार्रवाई, दूसरे राज्य की रेत के साथ 4 ट्रक पकड़े, 2,00,000 जुर्माना। अमेरिका के विश्व को सीधी धमकी, कहा मौजूदा हालातों में रूस से डिफेंस डील करने से करें परहेज।
कई देशों में कोरोना वैक्सीनेशन की कमी को लेकर यूएनएससी में भारत ने जताई चिंता। रूस से मुकाबले को जेलेंस्की ने दक्षिण कोरिया से मांगे हथियार, कहा मारियोपोल में हजारों की हुई मौत। क्या यूक्रेन के बाद है फिनलैंड और स्वीडन का नंबर? नाटो की सदस्यता के मुद्दे पर रूस ने दी है दोनों को सीधी धमकी। पूर्वी यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले की मार, लाखों बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं हैं घरों में फंसे, पुतिन ने हमला रोकने से किया इनकार। जंग में हथियार के रूप में बलात्कार का इस्तेमाल कर रहे रूसी सैनिक, यूक्रेनी मानवाधिकार समूह का दावा। टू प्लस टू मंत्रिस्तरीय वार्ता में अमेरिका की भी भारत से अपील, रूस के साथ बड़े हथियारों के सौदे से करे परहेज। बढ़ती कीमतों को लेकर श्रीलंकाई पीएम ने जनता के प्रदर्शन को ठहराया जिम्मेदार, प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद और भड़के लोग। रूस समर्थक अलगाववादियों ने किया दावा, यूक्रेन के मारियोपोल बंदरगाह पर हमारा कब्जा। रानी एलिजाबेथ ने कोविड 19 अनुभव को किया बयां, कहा यह बहुत थका देता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा रूस से तेल खरीदने पर भारत की खरी खरी, कहा यूरोप का तेल आया तो भारत में कहीं ज्यादा। रेलवे ने कैंसिल की 162 ट्रेनें, लिस्ट में देखे अपनी गाड़ी। आरबीआई विनियमित बाजारों की अप्रैल से बदलेगी टाइमिंग, सुबह 9 बजे से शुरू होगा कारोबार। भारतीय कंपनियों ने विदेशों में निवेश बढ़ाया, 3.34 अरब डॉलर इन्वेस्ट की। महावीर जयंती 2022 में बैंक लगातार 4 दिन रहेंगे इस हफ्ते बंद, जल्दी निपटा ले काम। पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, 105 रुपए पर टिकी है कीमतें। नींबू बनेगा मोटी कमाई का जरिया, मौके पे चौका लगाएगा आइडिया। भारतीय इक्विटी सूचकांकों में गिरावट, सेंसेक्स लगभग 300 अंक गिरा। उत्तर रेलवे ने की समीक्षा बैठक, गतिशीलता में वृद्धि पर दिया बल। क्रेडिट इंडिया ने पाइन लैब के साथ की साझेदारी। राजस्थान के जोस बटलर का ऑरेंज कैप पर कब्जा, दूसरे नंबर पर बल्लेबाज ने बनाई जगह। पर्पल कैप की रेस में टॉप पर हो स्पिन गेंदबाज, दूसरे नंबर पर भी भारतीय खिलाड़ी का कब्जा।
बार से अंक तालिका में हुआ बदलाव, हैदराबाद को हुआ फायदा। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम तूफानी बल्लेबाज के दम पर बने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। सुनील गावस्कर ने इंग्लिश कमेंटेटर से कहा, कब लौटा रहे हो भारत को कोहिनूर। आईपीएल के पहले 90 इनिंग में सबसे ज्यादा रन और छक्के के राहुल के नाम बड़े बड़े दिग्गज हैं उनसे पीछे। सीएसके और मुंबई इंडियंस ने खो दिया है अपना चार्म और इन्हें फेम करने को कोई टीम नहीं डरती, शास्त्री ने बताया कारण। सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता टॉस, जीत को बरकरार रखने के लिए पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस। महेश दुछान का धोनी के साथ खेलने का सपना हुआ पूरा, कहा माही है तो कुछ भी मुमकिन। हार्दिक पांड्या ने छक्का लगाते ही आईपीएल में बनाया खास रिकॉर्ड, आप भी मानेंगे सिक्सर किंग का लोहा। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी पर संजय दत्त ने दी मैरिज टिप्स, बच्चों को लेकर दूल्हे राजा से कही है बात। स्पेयर से जल्द बनने वाली है मां, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शेयर की फैंस को दी जानकारी। नवाबों की नगरी में बॉलीवुड कोरियोग्राफर इंदर शर्मा गाने की कर रहे हैं शूटिंग। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के गाने से आया सियासी भूचाल, पंजाब की जनता भी पर ही खड़े कर दिए सवाल। यार रहमान ने साउथ और नॉर्थ को एक होने की दी सलाह, कहा मतभेद दूर करने का समय है। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर थे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के आत्मराम भिड़े, कई दुबई में करते थे नौकरी। शुभाष घई का खुलासा, दिसंबर 2020 में रणबीर और आलिया की शादी धूमधाम से करने वाले थे ऋषि कपूर। रणवीर की शादी के सवाल पर पेपराजी पर भड़की नागिन, सिक्स फेम तेजस्वी प्रकाश दे डाली थी। सोनू निगम ने द कश्मीर फाइल्स को अब तक न देखने के पीछे की बताई बड़ी वजह, कहा मैं इस तरह के सभी अपराधों के प्रति संवेदनशील। जैकी भंगानी के जे जस्ट म्यूजिक ने वॉर्नर म्यूजिक इंडिया से मिलाया हाथ, भारतीय कलाकारों को देंगे गेम चेंजिंग प्लेटफॉर्म। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।